नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ जीके विद अमित में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं, जो कि लेक्चर स्कूल न्यू हिस्ट्री और लेक्चर स्कूल न्यू पीसीटी कॉमर्स से संबंधित है, और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनसे संबंधित कुछ अपडेट आई हैं, वो भी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से जो है जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्चर स्कूल न्यू पीसीटी हिस्ट्री के ऊपर। आज जो है उनसे संबंधित एक अपडेट आई है। जो भी कैंडिडेट लेक्चर स्कूल न्यू पीसीटी हिस्ट्री में सिलेक्टेड हुए हैं, आज उनकी जो अपॉइंटमेंट लिस्ट है वो भी आज आ गई है। मैं आपको बता दूं कि लेक्चर स्कूल न्यू पीसीटी हिस्ट्री का कुछ समय पहले जो है फाइनल रिजल्ट निकला था, और उसमें जो है 47 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे। जो भी 47 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो साइट है उसका डायरेक्ट लिंक जो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहाँ पर भी लिस्ट दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इनकी लिस्ट जारी नहीं करता है। जो 47 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके पास जो अपने रिजल्ट का जो लिंक वो आता है, और वो अपनी जो कैटेगरी है उसकी जो वो कट ऑफ देख सकते हैं। हमें जितना पता चला है जैसे कुछ दिन पहले तो 61-62 जो हैं जनरल ओपन की कट ऑफ बता रहे थे, और 57-58 के करीब जो हैं जो EWS है उसकी कट ऑफ पीसीटी हिस्ट्री लेक्चर स्कूल में बता रहे थे। बाकी कैटेगरी का हमें पता नहीं चल पाया है, बट जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन में गए हैं अगर फाइनल कट ऑफ की लिस्ट आती है तो वो भी जो है अपना रिजल्ट वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर उनको भी जानकारी मिल जाएगी कि उनकी कट ऑफ कितनी थी और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो अगर आपको पता है, अगर पता लग जाएगा आगे तो आप हमें कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ तक हमने पता किया है अभी तक जो है उनके पास उनका फाइनल रिजल्ट की जो लिस्ट है वो अपडेट है वो नहीं आई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर स्कूल न्यू कॉमर्स के ऊपर। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं लेक्चर स्कूल न्यू कॉमर्स के, उनको कन्फ्यूज़न हो गई है कि क्या कोर्ट केस जो है पीसीटी लेक्चर स्कूल न्यू कॉमर्स में फिर से हुआ है। तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसके कारण जो हम आपको बता सकें कि कोर्ट केस इसमें फिर से हुआ है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हुआ है। कोई भी कोर्ट केस जो है लेक्चर स्कूल न्यू पीसीटी जो कॉमर्स है उसमें नहीं हुआ है। इसमें जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उसका डिले होने का कारण ये है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन है वो ऑनलाइन मोड के माध्यम से हो रही है, और इसमें थर्ड टाइम जो है जो कैंडिडेट हैं उनको इसमें मौका दिया गया है। बट अब 15 सितंबर के बाद जो उन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि उसके बाद जो है ये लिंक ओपन नहीं होगा, अब जो है इसका जो फाइनल रिजल्ट है वही बनकर आएगा। फाइनल रिजल्ट निकलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि अभी जो है इसकी जो डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशन है वो फिर से कम्प्लीट हुई है। अगर आप में से किसी ने फाइनल कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे चैनल में विजिट करें, आपको लेक्चर स्कूल न्यू कॉमर्स के ऊपर काफ़ी वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जो आज अपडेट आई हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी अपडेट को देखते हैं जो कल हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आई थी। 18 पोस्ट कोड के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं कल उनकी लिस्ट आई थी, बट आज वो फिर से रिवाइज हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो पोस्ट कोड 903 है JIT, इसमें कल 23 पोस्ट यहां पर शो हो रही थी, क्योंकि पहले इसमें 23 पोस्ट थी और बाद में रिवाइज होकर जो इसमें 82 पोस्ट वो जो हैं बन गई थी, मींस इसमें पोस्टें जो वो बढ़ गई थी, मींस कल जो है 114 सीटें यहां पर टोटल थी और अब जो है 175 पोस्ट जो है यहां पर शो करी गई हैं। ये चेंजिंग जो इन्होंने आज इसमें करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले पोस्ट कोड की। अगला पोस्ट कोड जो है फाइनल रिजल्ट का है, ये पोस्ट कोड 788 है जो कि सुपरवाइजरी ट्रेनिंग से संबंधित है। इसमें 6 पोस्ट थी और 6 कैंडिडेट जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशन, आप यहां पे अपना नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट कोड की जो कि 848 है। इनका जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर को होना है इवनिंग सेशन में। इनके जो RNP रूल हैं उनसे संबंधित जो है अपडेट आई है। RNP रूल से संबंधित अपडेट इसलिए आती है क्योंकि बाद में कोई भी इश्यूज में क्रिएट ना हो। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेचैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।